हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आपका अभी 10 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर SSC.gov.in पर अपलोड किया। यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने दिया कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन, जो आपका 10/11/2019 को 10 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके कंप्लीट होने के बाद 16 नवंबर को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आंसर की अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपको आंसर की को देखकर जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, और आपको 48 आवर्स दिए जाएंगे। 48 आवर्स के बीच में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, किसी भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन है तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ऑब्जेक्शन को उठाना है वो आपको अपनी ईमेल आईडी से ऑब्जेक्शन उठाना है, अपनी ईमेल आईडी से मेल करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑब्जेक्शन उठाने के बाद 48 आवर्स दिए जाएंगे उनको दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया है उस ऑब्जेक्शन को क्रॉस चेक करने के लिए 48 आवर्स ही अपनी टीम को देंगे। उसके बाद क्रॉस चेक होगा, और लास्ट में क्रॉस चेक करने के बाद जो फाइनल आंसर डिसाइड हो जाएगी ओएमआर शीट, उसके बाद आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो इन्होंने पाँच पॉइंट्स में लिखा है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो।